बैनर बनवा दीजिए। बैनर खाली ठीक नहीं लग रहा, बैनर है। देखिए, हम लोग 16 फरवरी 2020 को अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की तरफ से पटना के गांधी मैदान में वो रैली करने जा रहे हैं। चूँकि सभी जाति धर्म समाज के लोग रैली किए हैं, रैली का मुख्य उद्देश्य हमारा है ब्राह्मण समाज का विकास, ब्राह्मण समाज में बेरोजगारी और ब्राह्मण समाज में जितने भी गरीबी हैं, गरीबी को देखते हुए, बेरोजगारी को देखते हुए हम रैली करते हैं। चूँकि ब्राह्मण के राज नाम पे देश में, राज्य में राजनीति होता है, लेकिन आज भी ब्राह्मण पीछे, आज़ादी के 73 साल होने के बावजूद भी आज जितने भी आप गरीबी देखेंगे, SC ST से भी बदतर स्थिति किसी का है तो ब्राह्मण। तो मैं चाहता हूँ कि ब्राह्मण समाज का विकास, ब्राह्मण समाज के बेरोजगारी जो है रोजगार, और जितने भी हमारे ब्राह्मण समाज के भाई बहन हैं उनको उच्च शिक्षा में भी आरक्षण मिले। क्योंकि आरक्षण, मोदी जी बोलते हैं आरक्षण के नाम पे एक देश एक संविधान, तो ये हमारा भी मानना है एक देश एक संविधान है तो एक देश एक आरक्षण भी होनी चाहिए। यदि आरक्षण देते हैं तो गरीबी के आधार पर आरक्षण दीजिए। आरक्षण के मतलब क्या होता है? जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो पीछे अंतिम पंक्ति के लोग हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर भी कहा करते थे जो सबसे पीछे के लोग हैं उनको आगे बढ़ाना है। तो पीछे के लोग मतलब SC ST नहीं है, और सबसे ज़्यादा गरीबी कोई देखा जाए तो ब्राह्मणों के बीच है। तो मैं चाहता हूँ कि ब्राह्मण समाज को आरक्षण मिले, और यदि आरक्षण नहीं मिलेगा तो आने वाला समय 16 फरवरी के बाद इस बिहार से शुरुआत होगी और देश के पैमाने पर हमारे जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं रोड पे कुछ करेंगे। क्योंकि हम लोग लगातार मांग करते आ रहे हैं कि हमें आरक्षण चाहिए, हमें शिक्षा में, रोजगार में, और जितने भी आप देख सकते हैं, मैं बार बार कहते आ रहा हूँ, हमारे बिहार के अंदर जितने भी गांव हैं, गांव मोहल्ला में चाहिए। आज हमारे एक पक्का मकान तो छोड़ दीजिए, एक मिट्टी का मकान ही ब्राह्मण समाज के नहीं है। ब्राह्मण समाज की महिलाएं, ब्राह्मण समाज की बच्चियां, हम लोग प्रतिष्ठा बचाने के लिए धोती कपड़ा को घेर कर वाशरूम के रूप में या रहने के रूप में काम करते हैं, लेकिन हमें आज तक इंदिरा आवास का भी फायदा नहीं मिलता है। यदि इस बिहार राज्य में या देश में यदि ब्लॉक में आप जाते हैं तो सबसे पहले इंदिरा आवास किसी को मिलता है तो SC ST को मिलता है, उसके बाद किसी को मिलता है तो OBC को मिलता है, और उसके बाद यदि जनरल कोटा में आते हैं तो जो दबंग जातियां हैं पहले उनको मिलता है, तब जाकर बचा हुआ ब्राह्मण को मिलता है। तो भैया, ब्राह्मण गलती क्या किया है? ब्राह्मण का इतिहास रहा है, आपको शिक्षा से लेकर देश को आगे बढ़ाने में ब्राह्मण का हमेशा योगदान रहा है, लेकिन आज ब्राह्मण सबसे पीछे है। इसलिए मैं आप सबसे भी अपील करता हूँ, जितने भी मीडिया के साथी हैं, खासकर प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों से मैं अपील करता हूँ कि इस मुहिम में साथ दें, और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह SC ST OBC का आरक्षण मिलता है उस तरह ब्राह्मण को भी आरक्षण मिले। चूँकि ब्राह्मण कभी SC ST के आरक्षण पे, OBC के आरक्षण पे विरोध नहीं किया है, इसलिए मैं OBC SC ST के भाइयों से भी अनुरोध करता हूँ कि ब्राह्मण के आरक्षण में साथ दें, और हमारे साथ जो ब्राह्मण समाज के जो बेरोजगार छात्र हैं, छात्राएँ हैं, महिलाएँ हैं, उनको आगे बढ़ाने में मदद करें। धन्यवाद।